Hey guys, good morning, welcome back to the vlog. तो guys, आज है 8 मई 2024. लेकिन एक सेकेंड, ये कहाँ से है? चैनल पे आ चुके हैं. बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ और मेरे को तो व्लॉग नंबर भूल चुका हूँ कि भाई कौन सा व्लॉग नंबर है अपना. वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है. लास्ट व्लॉग मेरे को याद है कौन सा था. वो था 2023 का लास्ट एंडिंग व्लॉग था, मतलब जो न्यू ईयर पे हमने बनाया था. मासी आए हुए थे, सबने फंक्शन किया था, जो भी था वो आप सबने देखा. तो गाइस, आप सोच रहे होगे भाई इसका मोटिवेशन कहाँ से आया व्लॉग बनाने का. बात तो सही है. आपको बता देता हूं भाई, मोटिवेशन को मेरे व्लॉग्स देख के ही आया है भाई. मैं अभी ब्रेकफास्ट करता हूँ, अपना व्लॉग देख रहा था भाई. मैं कहा यार इतना टाइम हो गया है ये SDV पे भाई कोई चैनल पे व्लॉग नहीं आ रहा, व्यूज डाउन हो चुके हैं, चैनल डेड हो चुका है. तो भाई कुछ ना कुछ करके तो बनाए यार, कुछ तो करना ही है, आप सबको अपडेट देना है. इतने अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाए थे पहले, मतलब सबको डेड कर दिया था मैंने. तो सोचा भाई अब व्लॉग बनाते हैं. तो आज का सीन है, मेरा आज है पेपर, तो मैं यहाँ बैठ के तैयारी कर रहा था. तो अभी थोड़ी बहुत रिविजन हो चुकी है और टाइम हो गया, 11 बज चुके हैं. तो फिर अभी नहाऊंगा और फिर 2 बजे पेपर है, तो फिर 2 बजे पेपर देने जाएंगे. मतलब 1 बजे घर से निकल जाऊंगा क्योंकि वहां पे जाके फिर थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ आपको पता ही है इधर उधर भाई पूछना होता है कि कितना हो गया, कितना करना है, ये वो बस वो चीज करनी पड़ती है. तो फिर 1 बजे निकलेंगे. हाँ, आप बोल लो मम्मा, पीछे से कुछ ना कुछ बोलना ही आपको. आप बोल लो, मैं ब्लॉग रहने देता हूँ आज. आप बोल लो. ये फुकरा है. फुकरा बंदा है ना. फुकरा बंदा है. सुबह उठ के बिल्कुल नहीं पढ़ा. कुछ नहीं पढ़ा मैं ना. हाँ वैसे ये बात है, मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ. मतलब अभी थोड़ी सी बुक खोली थी मैं, यार नहा के ना आराम से बैठते हैं क्योंकि तब इसको पूछेंगे हम लोग ना क्या रिजल्ट में. तो आप अच्छी तरह बता दोगे ना कि क्या हुआ है रिजल्ट में. आप कमेंट करना कि आपको रिजल्ट ब्लॉग चाहिए कि नहीं चाहिए. आपको वो मेरे थंबनेल से पता चल जाएगा कि रिजल्ट कैसा आया. अगर तो यहाँ पे हाथ का निशान है तो मतलब गंदा आया, फेल हो गया. अगर नहीं है तो मतलब पास हूँ सब में, है ना मम्मा. ऐसे ही होगा ना, मेरा निशान तो अभी भी आ सकता है. इतनी वेट नहीं करनी. नहीं नहीं, वेट करके आराम से पास होके क्यों हमने थप्पड़ खाना है. क्यों क्यों मम्मा जी इतने मुलायम हाथों से अपने थप्पड़ खा रहे मुंह पे, है ना. तो नहीं भाई, तैयारी करेंगे अच्छी तरह, पास होने सब पेपरों में, फेल नहीं होंगे. फर्स्ट सेमेस्टर में भी सब पेपरों में पास हो चुका हूँ. सेकेंड सेमेस्टर का बस फाइनल चल रहे हैं, 2 पेपर हो चुके हैं, थर्ड पेपर है और इसमें भी हम पास होंगे, फेल नहीं होंगे. मम्मा के थप्पड़ हमारे मुंह पे नहीं पड़ेंगे. इधर प्यारी प्यारी शक्ल तो दिखा दो. इससे सिखाई नहीं, 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 नहीं. इतने बुरे हाल नहीं करने. तो चलो भाई मैं चलता हूँ नहाने, फिर 1 बजे निकलना है कॉलेज के लिए क्योंकि पेपर है हमारा. फिर पहले नहा के आते हैं और फिर निकलते हैं कॉलेज के लिए पेपर देने के लिए. सो गाइस, नहा के मैं तैयार हो चुका हूँ एंड रिवीजन भी अपनी कर ली हुई है और टाइम भी ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है. तो चलो भाई, बैग अपना तैयार है, सब कुछ डाल लिया बैग में. तो बैग लेते हैं और निकलते हैं अपने कॉलेज के लिए, एग्जाम के लिए. और हमारे लड्डू जी यहाँ बैठे हुए टीवी देख रहे हैं और भूख लगा रहे. तो ये इनको टीवी देने देते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं और चलते हैं पेपर देने. अभी तैयारी होगी, अपना आशीर्वाद दो ताकि मैं अच्छा अच्छा पेपर करके अच्छा अच्छा पेपर करके आपके डांट से बचूं. बाबे थप्पड़ ना पड़े, उस डांट से बचूं. तो चलो ठीक है, चलते हैं और पेपर दे के आते हैं. थैंक यू, थैंक यू भाई. आप सब भी मेरे को ऑल द बेस्ट कह देना. आप सबको भी थैंक यू. चलो भाई चले पेपर देने अब. One eternity later. Guys, back from my college. पेपर दे के आ चुके हैं, एकदम मस्त पेपर हो चुका है. माइंड ब्लोइंग पेपर था और टाइम भी 6:05 हो गया. बाद में घर आके भूल गया था कि ब्लॉग भी शुरू किया हुआ है, ब्लॉग बना रहा हूँ. क्योंकि इतने दिनों से, मतलब महीनों से बनाया नहीं था, तो याद नहीं आया बिल्कुल भी ब्लॉग बनाना है. तो अभी बैठा हुआ फिर मेरे को याद आया, एकदम माइंड में स्ट्राइक किया कि हाँ भाई ब्लॉग बना रहा हूँ. तो कंटिन्यू करते हैं. तो घर पे आ चुके हैं और ये बैठा अपना महाराज जी गोलू साहब. इधर देखिए, शर्माइए मत, शर्माइए मत, इधर देखिए, शक्ल दिखा दीजिए अपनी ब्लॉग में. आज फिर से कहां से शुरू हो गया. आज सुबह मेरे को मोटिवेशन मिली मेरे ब्लॉग देख के. सुबह जाने से पहले इसको पता नहीं है कि मैंने ब्लॉग शुरू किया हुआ है. सुबह जाने से पहले मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया था पेपर जाने से पहले. तो आज सोचा ब्लॉग बनाते हैं. कितनी और दिन रहेगा मोटिवेशन वैसे. आज का दिन एक ही ब्लॉग ही है, उसके बाद पता नहीं कब आएगा. अभी एक इंट्रोडक्शन, मतलब सॉरी इंट्रोडक्शन क्या कह रहा हूँ, अपडेटिंग व्लॉग है ये कि सबको अपडेट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं. तो भाई जन क्या कर रहे हैं आप. कितने महीने के बाद डाला अपडेटिंग व्लॉग. 4 महीने ऑलमोस्ट. 4 महीने का कर ब्रेक
ब्रेक पे दे। तो भाई जान अभी कर रहे हैं पढ़ाई और मैं खा रहा हूँ अपना हलवा थोड़ा सा, क्योंकि लंच तो किया नहीं आज, तो थोड़ा हलवा खा रहे हैं। और मम्मा भी ला रहे हैं कुछ खाने के लिए मेरे लिए। तो 6 बज चुके हैं, टीवी देख रहे हैं, तो खाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर चलेंगे अपना जिम। आज वर्कआउट भी करेंगे अच्छा, क्योंकि 2 दिन हो गए थे जिम भी नहीं गया, 2 दिन से तबीयत खराब चल रही थी तो जिम भी मिस हो रहे थे। तो आज चलेंगे वर्कआउट करेंगे अच्छा, और ये भाईजान भी वर्कआउट करेंगे, और ये भाईजान भी करेंगे हमारे साथ वर्कआउट, जो दिखता नहीं है बट हो रहा है, इन प्रोग्रेस है वर्कआउट, यस हो जाएगा। तो चलो भाई खाते हैं और फिर चलते हैं जिम। भाई जिम जाने से पहले हमारी आ गई है प्री वर्कआउट मील, चने और इसमें डाले हैं प्याज और टमाटर, तो ये हमारी प्री वर्कआउट मील बन गई। क्योंकि लंच वगैरह तो किया नहीं हुआ, तो जिम से पहले कुछ प्री वर्कआउट लेना चाहिए, तो इसलिए फिर ये ले लिया। तो चलो ये खाते हैं। तुम्हारी बहुत बन गई है, जैसे दिखाइए भाई साहब। नहीं दिखाएंगे। तो चलो भाई प्री वर्कआउट मील लेते हैं और फिर चलते हैं जिम। सो गाइस रेडी हो गए हैं, तो चलो भाई अब निकलते हैं अपने जिम के लिए और चल के करते हैं वर्कआउट। तो गाइस घर में तो वर्कआउट और टाइम भी 8 बज चुके हैं, 6 बजे के अराउंड आए थे और नहीं 6:30 आए थे और 8 बज चुके हैं। 1.5 घंटे का वर्कआउट हो गया, बहुत बढ़िया, और देख ही सकते आप पूरे पसीने से भर गया। तो चलो भाई चलते हैं घर। सो गाइस जिम से आके रेस्ट कर ली थी और कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए थे, तो अब टाइम हो गया डिनर का, तो डिनर में देखते हैं आज मम्मा ने क्या बनाया है। तो मम्मा जी डिनर में क्या आया स्पेशल बताओ? स्पेशल क्या हो गया कुछ स्पेशल लिए? बंदे के लिए स्पेशल खाना ही नहीं बनाया आपने, कब बनाओगे? हमारा डिनर रेडी है। ओके ये बड़ा हमारा डिनर। तो गाइस डिनर आ चुका है, तो आज इसमें क्या क्या है मम्मा आप बताओगे या मैं बताऊं? आलू गोभी और परांठा। आलू गोभी और परांठा, ये कौन है? आलू गोभी और परांठा, ये ऐसे कौन बोलता है? ये बोलो ना, आलू गोभी परांठा रोटी, ये सारा कुछ होता है मम्मा की तरफ जाते, मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करते। तो गाइस आज के डिनर में है आलू गोभी, बैंगन का भरता और रोटी। गाइस अपना डिनर करते हैं और उसके बाद बनाएंगे अपना बनाना शेक, टेस्टी सा बनाना खत्म दे। तो मैं अभी ले आया हूँ, मतलब जिम से आता हुआ ले आया था, तो फिर उसके बाद बनाएंगे बनाना शेक, तो बहुत टेस्टी बनाता हूँ मैं वो, उसकी आपको भी आज थोड़ी बहुत रेसिपी बताऊँगा कि कैसे बनाते हैं। तो पहले चलो डिनर करते हैं और फिर बनाएंगे बनाना शेक। गाइस डिनर हो चुका है, तो चलो भाई अब बनाते हैं अपना बनाना शेक और आपको भी बताऊँगा कि कैसे मैं बनाता हूँ, कैसे सारा प्रोसीजर होता है, ताकि आप भी मेरे जैसे बनाने शेक बनाओ। तो पहले ये ना, पहले मेरा जग जिसमें दूध है, ले तू मेरे को मार दे पहले, है तू पिएगा दूध? नहीं पी लिया मैंने। शाबाश, तो इसको इग्नोर करते हैं और हम मामा कर रहा है कुकिंग का ट्यूटोरियल बना रहा है। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ दोस्तों को कि हम बनाना शेक कैसे बना सकते हैं अच्छा मेरे जैसा टेस्टी टेस्टी। इसको इग्नोर करो गाइस, चलो हम अपने बनाना शेक पे ध्यान देते हैं। तो दूध ले लिए, तो 1 केला ले लिया हमने और अब इसको छील के इसके अंदर डाल देते हैं। तो गाइस इसमें बनाना डाल दिया है, तो हम सेकंड चीज डालेंगे वो है ये ओट्स, और फिर उसके बाद डालेंगे ये है जो चने होते हैं उसको पाउडर फॉर्म में बनाया है वो, और थोड़ी सी शुगर और बाकी बादाम। तो चलो भाई इन सब चीज़ों को डालते हैं इसके अंदर। सो गाइस सब कुछ इसमें डाल दिया है, अब टाइम है इसको ग्राइंड करने का और पीने का। तो चलो गाइस इसको ग्राइंड करते हैं और इसको पीते हैं। तो गाइस बनाना शेक पी लिया है और टाइम भी 11:15 हो चुके हैं, तो चलो भाई अब करते हैं नेक्स्ट पेपर की तैयारी शुरू और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, छोटा सा ब्लॉग जो था, मतलब इंफॉर्मेटिव ब्लॉग ही, कैसा अपडेट, मतलब अपडेट देना चाहता था एक टाइप का कि क्या क्या चल रहा है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों का वीडियो। तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय। तो आप सोच रहे होगे इसका मोटिवेशन कहाँ से आया ये ब्लॉग पर, यार 2 मिनट है मम्मा ने किया। तो गाइस आप सोच रहे होगे ये औरत मेरे को बोलने नहीं दे रही ब्लॉग में।